नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं साक्षी बत्रा। आज है वेंसडे का दिन और आज हम चर्चा करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। आपको इस आधे घंटे के शो में बताएंगे कि यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में क्यों करना चाहिए आपको इन्वेस्ट। साथ ही आपको बताएंगे कि पेंशन प्लान के बेनिफिट्स क्या होते हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि आपके लिए बेस्ट टर्म प्लान इस वक्त कौन सा है। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल गोयल, फाउंडर एंड सीईओ PolicyX.com हमारे साथ हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे अपने शो की, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं इंश्योरेंस के बारे में कोई भी सवाल, तो तरीका बहुत ही आसान है। आप हमें ईमेल के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। moneyguru@zmedia.slgroup.com पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, या फिर आप हमें SMS के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इंश्योर हमारा कीवर्ड है। इंश्योर लिखकर आप अपना सवाल लिख सकते हैं और भेज दीजिए 57575 पर। शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला, अपने पहले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। आज के हमारे पहले दर्शक हैं सुधीर। नमस्कार सुधीर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं सुधीर आप? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ जी। क्या जानना चाहते हैं जी? मैं टर्म प्लान के बारे में जानना चाहता हूँ कि कौन सा टर्म प्लान बेस्ट है, किसका केस मतलब पेमेंट का बेस्ट पेमेंट है मतलब जी जी। और वो यूलिप के बारे में भी जानना चाहते हैं, यूलिप में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स बहुत बताते हैं कि यूलिप से बेटर है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, और कुछ कहते हैं। बिल्कुल सुधीर, हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट नवल गोयल मौजूद हैं, जो कि आपके सवाल का आंसर जरूर देंगे। नवल, ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त बेस्ट टर्म प्लान इनके लिए कौन सा है। साथ ही ये जानना चाहते हैं कि प्रीमियम कम्पेटिटिव जरूर होना चाहिए, एक सस्ते प्रीमियम की इनको जरूरत है। साथ ही ये जानना चाहते हैं विस्तार में कि यूलिप क्या होता है। काफी बार हम यहाँ सजेस्ट करते हैं इस शो में, काफी समय एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि यूलिप एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का और इंश्योरेंस का, तो आप इसके बारे में भी आप इनको कुछ बताइए जी। साक्षी, सो इनके लिए टर्म प्लान जो आज के दिन अगर ऑनलाइन टर्म प्लान ले तो HDFC टर्म प्लान या मैक्स लाइफ टर्म प्लान काफ़ी अच्छे हैं, जिनके प्रीमियम भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। तो आई थिंक इनकी एज के लिए अराउंड 8,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे इनको अच्छा सम एश्योर्ड मिल सकता है। और रही बात यूलिप की, तो यूलिप डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस प्लान है, जिससे आपको टैक्स सेविंग भी होती है और एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर नहीं करते, क्योंकि आजकल यूलिप प्लान्स में कॉस्ट्स काफ़ी कम है। एलोकेशन चार्जेस या आप फंड मैनेजमेंट चार्जेस या कोई भी चार्जेस की अगर बात करें तो वो काफ़ी रीजनेबल है, और इसलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर वेल्थ बिल्ड करना है अपना तो यूलिप प्लान ही मैं सजेस्ट करूंगा। और उसमें आपको पूरा टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो आपकी जो ATC की लिमिट्स होती है, जो 1.5 लाख तक की लिमिट है, वो आप इस पे यूलिप पे इन्वेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं जी। सुधीर, तो जिस तरीके से एक्सपर्ट ने आपको बताया कि आपके लिए अगर आप 1 करोड़ तक का प्लान लेना चाहें तो आपके लिए कुछ ऑप्शंस उन्होंने लिस्ट आउट किए हैं, जैसे कि HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है। ICICI प्रूडेंशियल आई केयर भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही आप एक्सप्लोर कर सकते हैं रिलायंस लाइफ ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस को। आप इन तीनों प्लान्स पर नजर रखिए, इन तीनों के बारे में डिटेल जानिए, और इसके लिए आपको ऑलरेडी बताया है। साथ ही साथ यूलिप के लिए भी आपको यहाँ पर एक्सपर्ट सजेस्ट किया है कि यूलिप एक तो मार्केट लिंक्ड प्लान होता है और इसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों ही किए जा सकते हैं इसके जरिए, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन ये होता है, और इसके जरिए आप डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही यहां पर जो कुछ अच्छे ऑप्शंस यहां पर एक्सपर्ट ने आपके लिए लिस्ट आउट किए हैं वो है HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट, और साथ ही साथ बजाज फ्यूचर गेन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इसके अलावा HDFC प्रो ग्रोथ प्लस और रिलायंस क्लासिक 2 प्लान भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। होपफुली आपका कॉलर जो है, आपकी जो क्वेरी है, वो अच्छी तरीके से आंसर हो गई होगी। चलते हैं हम अपने अगले दर्शक की तरफ। अब हमारे साथ आर्यन गर्ग मौजूद है। नमस्कार आर्यन। नमस्कार मैम जी, क्या जानना चाहते हैं? यस मैम, मैंने पॉलिसी बाजार से मैक्स का लाइफ प्लान लिया था, पेंशन यंग पेंशन प्लान। ओके मैम, इसकी चाहता हूँ ये कैसा प्लान है? ऑलराइट, ये आपने अपनी मदर के लिए लिया था या खुद के लिए? यस मैम, मदर के लिए लिया था, मदर की एज है 57, पॉलिसी बाजार से लिया था मैंने। और आपने ये कितने ड्यूरेशन के लिए लिया हुआ है? मैम 15-15 इयर्स के लिए। ठीक है, और इसका प्रीमियम आप क्या पे कर रहे हैं आर्यन? 25,000 ईयरली है, मंथली मोड पे लिया हुआ मैंने, 2085 रुपए।
ठीक है नवल, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जिस तरीके से इन्होंने बताया, इन्होंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का पेंशन मैक्सिमाइजर फंड है, इसमें ये लिया हुआ है जिसकी ये प्रीमियम पे करते हैं 25,000 पर एनम की ये प्रीमियम पे करते हैं, और इनकी मदर के लिए इन्होंने ये लिया है, तो क्या इस समय इनके लिए ये बेस्ट प्लान है? हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि ये प्लान ये कंटिन्यू करे। वैसे मैक्स लाइफ कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस में, और दूसरा ये पेंशन मैक्सिमाइजर फंड जो है, ये इस पर इनका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। मतलब इसमें एक तो चार्जेस कम है, और दूसरी बात ये कि इसमें आपको क्योंकि आपने ऑलरेडी ख़रीद लिया है, तो आई थिंक इस पर कंटिन्यू करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पर आप 15 ईयर्स के लिए कंटिन्यू ही कीजिए, ताकि आपका वेल्थ बिल्ड हो और आपके चार्जेस मिनिमम से मिनिमम लगे। जी आर्यन, तो आपने एकदम सही चूज किया है अपने लिए ऑप्शन। यहाँ पर एक्सपर्ट काफी खुश हैं आपके चॉइस से। 15 साल के लिए आप इसे कंटिन्यू रखें, अभी भी इसके जो चार्जेस है वो काफी मिनिमम है, तो इससे आपको बेनिफिट भी होगा और साथ ही साथ एक बेहतर रिटर्न भी आपको यहाँ से मिल सकता है। आपको बता दें कि इसके तहत लिस्टेड सिक्योरिटीज और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, ये जो आपने प्लान लिया है, तो आप इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले दर्शक की तरफ, इनफैक्ट एक ईमेल ले लेते हैं नवल। यहाँ पर रोहित दिल्ली से उन्होंने एक ईमेल भेजा है हमें, इनका सवाल काफी बड़ा है, काफी कुछ जानना चाहते हैं। पहले तो ये जानना चाहते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करके, तीन लोग हैं, मदर, फादर और ये खुद, तीनों के लिए ये एक हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं, और साथ ही जानना चाहते हैं कि तीनों के लिए जो कवर है ये 5 लाख तक का जानना चाहते हैं, और प्रीमियम कम से कम होना चाहिए, ये इनका पहला सवाल है। इसके अलावा वो काफी कुछ पूछना चाहते हैं, एक तो कि टॉपअप पॉलिसी इनके लिए एडवाइजेबल होगी या नहीं होगी, और साथ ही जानना चाहते हैं कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी कौन सी होती है। इसके अलावा इनका तीसरा क्वेश्चन है कि इनको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं या नहीं। तो काफी विस्तार से इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, काफी कुछ जानना चाहते हैं, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? जी साक्षी, सो पहला क्वेश्चन इनका ये है कि तीन लोगों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मदर और फादर को ये एक पॉलिसी में कवर करे, और अपने आप को एक दूसरी पॉलिसी ले। मदर फादर को एक फैमिली फ्लोटर प्लान में कवर कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि 5 लाख का कवर काफ़ी अच्छा कवर होता है आजकल, अगर आप ट्रीटमेंट कॉस्ट देखें तो, और प्रीमियम अगर ये अपने आप को उनके साथ इंक्लूड करेंगे तो इनका भी प्रीमियम हाई हो जाएगा। तो फैमिली फ्लोटर में मॉम डैड को कवर करें और अपने आप को एक दूसरी पॉलिसी में। और मैं सजेस्ट करूँगा स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान या रेलीगेयर के केयर प्लान है, जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं इस टाइम मार्केट में, तो इन प्लान्स को ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। और रही बात प्रीमियम की, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर ये फादर मदर की बात करें तो अराउंड 30,000 रुपीज़ या 25,000 से 30,000 रुपीज़ के रेंज में प्रीमियम होना चाहिए उनकी एज के मुताबिक, 5 लाख का कवर। और इनका खुद का प्रीमियम अगर ये अलग से लेते हैं तो अराउंड 6,000-7,000 रुपये का प्रीमियम आना चाहिए, क्योंकि इनकी एज कम है। और दूसरा सवाल था इनका टॉपअप के बारे में। जी, तो टॉपअप क्योंकि ये 5 लाख का कवर ऑलरेडी ले रहे हैं, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि टॉपअप ले और 5 लाख एडिशनल कवर ले। बट अगर टॉपअप लेना भी चाहते हैं तो वो काफ़ी सस्ता होता है, जो मतलब इनको 5 लाख का एडिशनल कवर करीब 6,000-8,000 रुपये में मिल जाएगा। जी, तो वो टॉपअप ले सकते हैं। और तीसरा सवाल साथ ही वो जानना चाहते थे कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के बारे में कि वो क्या होती है, और इसके अलावा जानना चाहते थे कि टैक्स बेनिफिट्स इनको मिलेंगे या नहीं नवल। सो फैमिली फ्लोटर में बेसिकली होता ये है कि दो जन या तीन जन, जो भी पूरी फैमिली है, उनका एक सम अश्योर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर फादर मदर का एक 5 लाख का सम अश्योर्ड है, तो अगर इनमें से किसी ने भी यूज़ कर लिया उसको, तो दूसरा बंदा रिमेनिंग अमाउंट ही यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए वो फैमिली फ्लोटर होता है, तो वो एक तो प्राइस उसकी कम होती है इंडिविजुअल कवर से अगर आप कंपेयर करो, और दूसरा ये कि फैमिली में दोनों जन बीमार होने की मतलब चांसेस काफ़ी कम होते हैं, तो फैमिली फ्लोटर इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि पूरी फैमिली एक ही प्लान में कवर हो जाए, तो डेफिनेटली फैमिली फ्लोटर सस्ता पड़ता है। और तीसरी बात टैक्स की अगर रही, तो डेफिनेटली टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो भी इसका प्रीमियम दे रहे हैं वो टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं 80C के 80D के दौरान। जी, तो रोहित, होपफुली यू आर वॉचिंग दिस शो, और आपकी क्वेरी काफी विस्तार से यहाँ पर एक्सपर्ट ने सुलझाई है। आपको एक बारी फिर से बता दें कि तीनों की एक साथ आप पॉलिसी ना लें, आप एक फ्लोटर प्लान लें अपने पेरेंट्स के लिए, और एक इंडिविजुअल के लिए भी अपने लिए एक प्लान लें। आपको यहाँ पर कुछ बेहतरीन पॉलिसीज भी यहाँ पर लिस्ट आउट करी है नवल ने। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसका एनुअल प्रीमियम करीब करीब 32,000 तक का होगा, जो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं। रेलीगेयर केयर भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा, जिसमें अराउंड
25,000 तक का प्रीमियम होगा पर एनम आपके लिए, और सिग्ना टीटीडी के और प्रो हेल्थ भी आपके लिए एक अच्छा प्लान हो सकता है। आप इन तीनों को ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, तीनों के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। साथ ही साथ टॉपअप प्लान के लिए अभी यहाँ पर एक्सपर्ट आपको बोल रहे हैं कि ऑलरेडी आप 5 लाख ईच का कवर ले रहे हैं तो अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर लिस्ट आउट किया है कि जब वो काफी सस्ती होती है तो पेरेंट्स के लिए 8,000 तक का यहाँ पर प्रीमियम आपको देना पड़ेगा जो कि फ्लोटर पॉलिसी के तहत होगा, और अपने लिए आपको 6,000 तक का यहाँ पर प्रीमियम देना होगा। तो होपफुली आपकी कॉलर जो क्वेरी है वो पूरी तरीके से आंसर हो गई होगी। चलते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल मनोज जी। मैं जानना चाहता हूँ, ओके, और मैं टर्म प्लान 25 लाख का कौन सा अच्छा रहेगा, क्या प्रीमियम पड़ेगा, और 50 लाख में क्या पड़ेगा। अच्छा, टर्म प्लान के लिए आप जानना चाहते हैं कि 25 लाख या 50 लाख तक का प्लान लेना चाहते हैं। हाँ, और दूसरे की यूनिट का क्या ये मतलब रिफंड मैच्योरिटी पे ये टैक्स बन के मतलब उस पर टैक्स लगता है या उस पर रिलैक्सेशन है। यूलिप में? हाँ, यूलिप में आप पूछ रहे हैं। हाँ, यूलिप में आप पूछ रहे हैं ना, ठीक है। नवल, यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं कि एक सरकारी कर्मचारी हैं मनोज, और 25 या 50 लाख तक का टर्म प्लान लेना चाहते हैं, अभी इनकी एज ऑलरेडी 44 इयर्स तक की है, तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? पहले तो क्या सम होना चाहिए जिसका ये टर्म प्लान ले सकते हैं, और कौन सा इनके लिए टर्म प्लान बेनिफिशियल रहेगा, ये भी ये जानना चाहते हैं, और साथ ही जानना चाहते हैं कि यूलिप में इनको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जी बिल्कुल साक्षी, इनको टर्म प्लान आइडियली लेना चाहिए इनकी इनकम जनरेटिंग एज तक, तो जनरली यहाँ पे 60 में रिटायर होते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा 17 साल का कवर लेना चाहिए क्योंकि इनकी एज 43 है, और 50 लाख का कवर के लिए ये ऑनलाइन टर्म प्लान्स देख सकते हैं। मैक्स लाइफ, अगर मैक्स लाइफ बेसिक लाइफ कवर लें तो इनका प्रीमियम कुछ 8,500 के लगभग आएगा, और अगर ये HDFC पे जाते हैं तो अराउंड 9,000, और एगॉन रेलिगेयर का प्लान है, सिमिलर प्लान है जो 9,500 का है, तो ये तीनों प्लान ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीनों ऑनलाइन प्लान्स है, तो इसमें ऑफलाइन प्लान्स के मुताबिक काफ़ी प्रीमियम कम होते हैं क्योंकि एजेंट कमीशंस इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं कोई भी कंपैरिजन पोर्टल में जाके, और वहाँ से कोई भी इस टाइप के प्लान्स खरीद सकते हैं। और यूलिप की बात रही तो यूलिप में डेफिनेटली टैक्स बेनिफिट मिलता है, यूलिप होता ही जनरली टैक्स बेनिफिट्स के लिए, जिसमें आपको इंश्योरेंस कवर और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में एक कॉम्बाइंड प्लान होता है जिसमें दोनों आपको मिलते हैं। जी मनोज, होपफुली आपकी क्वेरी आंसर हो गई है। यहाँ पर आपको लिस्ट आउट करके बताया है नवल ने, काफी कुछ प्लान्स आपके लिए हैं। पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 17 इयर्स तक के लिए आपको ये कवर टर्म प्लान लेना चाहिए, आपके लिए मैक्स लाइफ बेसिक कवर जो है वो एक अच्छा प्लान हो सकता है। साथ ही साथ आप HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस इनकम ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसके अलावा एगॉन लाइफ 1 टर्म प्लान को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीनों के ही जो प्रीमियम्स हैं वो काफी सस्ते हैं अगर आप ऑनलाइन जाकर इसको लेंगे तो, और यहाँ पर 8,500 से लेकर 9,500 तक के आपको प्रीमियम पे करने होंगे। तो होपफुली आपकी क्वेरी यहाँ पर आंसर हो गई होगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे और सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं मनी गुरु, सवालों के सिलसिले को जारी रखते हैं। अब हमारे अगले दर्शक से जुड़ते हैं, अब उमा हमारे साथ जुड़ी है। नमस्कार उमा जी। उमा जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, यस उमा जी वी कैन हियर यू, पूछिए अपना सवाल। व्हाट वुड यू वांट टू नो? अभी हमने लास्ट ईयर 2014 में वेल्थ बिल्डर प्लान 2 जो यूलिप पॉलिसी बोलते हैं उसमें हमने 50,000 इन्वेस्ट किया है जी। वो कंटिन्यू करना चाहिए या कैंसिल करना चाहिए? ऑलराइट, डू यू वांट टू नो समथिंग एल्स एज वेल मिस्टर मिसुमा? या और मेरे हस्बैंड का एज 38 है प्रेजेंट, ओके, और उनका सैलरी 50,000 मंथली है, और
टारगेट है कि 20 इयर्स में 3 करोड़ का टारगेट है और मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए हमें और क्या टारगेट है, वी कुड नॉट कैच दैट, कितना टारगेट है आपने रखा है? टारगेट 3 करोड़ इन 20 इयर्स। ओके, और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में कोई पॉलिसी लेना है? हाँ, उसके लिए बेस्ट पॉलिसीज क्या है? ठीक है, ऑल राइट। नवल, यहाँ पर उमा जी जानना चाहती हैं, इन्होंने ऑलरेडी एक यूलिप प्लान SBI यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्ट किया हुआ है 50,000 और ये जानना चाहते हैं कि ये वन टाइम पेमेंट था और इसकी मैच्योरिटी था इनका 2018 में हो जाएगी, तो ये इसे कंटिन्यू करें या नहीं, ये जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये बता रही है कि अभी इसकी जो करंट वैल्यू है इस फंड की, ये अराउंड 1,96,000 के करीब की है। और साथ ही इनका अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनके हस्बैंड की अराउंड 50,000 की पर मंथ की इनकी सैलरी है और ये अराउंड 20 इयर्स में 3 करोड़ तक की पूंजी जमा करना चाहती है, तो इनके लिए कोई बेस्ट पॉलिसीज क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं? जी सो उमा जी, आप बेसिकली ये SBI की पॉलिसी आप कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि आप इन एनी केस आपको पैसे की ज़रूरत तो है नहीं और ये यूलिप प्लान है तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। आप इसी प्लान के अंदर अगर आपको एलोकेशन चेंज करने की अगर सुविधा है तो आप इसमें इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है क्योंकि जैसा कि आपने बताया आपका काफ़ी लंबा प्लान है, 20 इयर्स का आपका होराइज़न है, तो आप इसी प्लान में इक्विटी एलोकेशन बढ़ा के आपकी ग्रोथ थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि आप 50,000 रुपये आपकी हस्बैंड की इनकम है और आप चाहते हैं कि एक काफ़ी बड़ी पूंजी जमा हो जाए 20 साल में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें आप टैक्स बेनिफिट भी लेते हुए आप यूलिप में ही इन्वेस्ट कीजिए। अभी HDFC का एक क्लिक टू इन्वेस्ट यूलिप प्लान है जो काफ़ी अच्छा प्लान है जिसमें चार्जेस एकदम ना के बराबर है और आप उसमें हाईएस्ट इक्विटी एलोकेशन करके आप 20 इयर्स में डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ग्रोथ, मतलब इक्विटी के कंपेरेबल आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं उस प्लान्स में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट टाइप के कोई प्लान में आप क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान में आप इन्वेस्ट कीजिए और 20 इयर्स का होराइजन काफ़ी लंबा होता है। जी उमा जी, आपके लिए जैसे यहाँ पर सजेस्ट किया है कि आपने जो पॉलिसी ली हुई है वो काफी बेहतरीन है, आप इसमें कंटिन्यू रखें, लेकिन आप इक्विटी की तरफ आप ज्यादा एलोकेशन कर सकते हैं, उससे आपकी जो कॉर्पस है वो ज्यादा इकट्ठा हो सकता है। साथ ही साथ जो आपने और इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा उसके लिए यहाँ पर गेस्ट ने लिस्ट आउट किया है HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट, आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको जरूर फायदा होगा। आज के इस एडिशन में हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवल हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। नमस्कार।